वो मौत के मुंह से निकल के आती है, उसका रीबर्थ होता है। तो उसके लिए हमने सोचा मणिकर्णिका घाट उसकी हीलिंग के लिए इज द बेस्ट प्लेस। हमारी फिल्म में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मुद्दा है उस पर बनी हुई फिल्म है। इसमें जो कैरेक्टर का नाम है एजेंट अग्नि, वो एक तरह से मौत के मुंह से निकल के आती है और उसका एक पुनर्जन्म होता है। तो उसी गाने को आज हम लॉन्च करने आए हैं। भाई साहब, भैया तुम दे दो, हम कर लेंगे। दे दो। बोल। मैम, बनारस चुनने के पीछे वजह क्या है? देखिए, बनारस जो है वो एक उसकी एक अलग अहमियत है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके लिए एक अलग इसकी अहमियत है। और हमारी जो फिल्म है उसमें मैंने जैसे कहा अग्नि का एक टाइम पे वो मौत के मुंह से निकल के आती है, उसका रीबर्थ होता है। तो उसके लिए हमने सोचा मणिकर्णिका घाट उसकी हीलिंग के लिए इज द बेस्ट प्लेस। मैम, काशी संस्कृति और सभ्यता के लिए जानी जाती है, फिर आपका जो ये मूवी है वो काशी की संस्कृति और सभ्यता को कितना प्रमोट करेगी? देखिए, हमारी जो फिल्म है वो एक हमारी फिल्म में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मुद्दा है उस पर बनी हुई फिल्म है। तो ये डेफिनेटली लोगों में जो है एक जागरूकता लाएगी एक मुद्दे को लेके। मैम, जिस तरीके से राम का नाम लेने में महाराष्ट्र में मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से विवाद मचा है? बस नहीं, क्या लगता है दोबारा? यस, ये आपने सही बात बोली, फिल्म में देखिए। अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, फिल्म के बारे में बताइए, किस लिए आई है वो बताइए। देखिए, जो फिल्म है मेरी धाकड़, इसमें जो कैरेक्टर का नाम है एजेंट अग्नि, वो एक तरह से मौत के मुंह से निकल के आती है और उसका एक पुनर्जन्म होता है। तो उसी गाने को आज हम लॉन्च करने आए हैं। और मणिकर्णिका घाट से बेहतर हमें लगा नहीं कि कोई जगह हो सकती है। और गंगा मैया की हम लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए हैं और बाबा जी के दर्शन किए हमने और हमारी टीम ने, और हम लोग बहुत अभी बहुत आनंद में हमें महसूस हो रहा है और लग रहा है कि आशीर्वाद हमको बाबा जी का मिला है यहाँ पे। क्या काशी अब भव्य दिख रहा है मैम? काशी की तो काया पलट हो गई है। मैंने पिछली बार जब काशी विश्वनाथ आई थी तो ऐसा तो कोई भव्य वहाँ पे था नहीं कुछ, और अब इस वक्त जो है बिल्कुल काया पलट हो गई है और बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त पूरा जो है वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, फैसिलिटीज बनी हुई है, लाउंजेस बने हुए हैं और जिस तरह से परिसर को भी बढ़ाया जा रहा है बहुत भव्य और एक तरह से आई थिंक एक मेन टूरिस्ट प्लेस भी बनने जा, श्रद्धालुओं के लिए तो है ही है बाबा जी काशी जी का, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, लेकिन एक आई थिंक देखने के लिए भी, खूबसूरती के लिए भी अब जाना जाएगा। अर्जुन जी, अर्जुन जी,